हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी, आज हम आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाएंगे। और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, मतलब आपने जो काम रिमाइंडर थ्योरम में किया था ना, आपको वही सारा का सारा काम फैक्टर थ्योरम में भी करना है। और आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि मेरा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे ही मेरा फैक्टर थ्योरम पढ़ाने का स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक ही बार में क्लियर कर दूंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में जो डिफरेंस है वो भी आपको एक मिनट में समझ में आने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में, जब भी फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स। मतलब आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन है, एक्स प्लस थ्री। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई किया था वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल इससे क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जीरो फाइंड आउट करेंगे। और यही सेम प्रोसेस होती थी रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम क्या करते थे, जिससे डिवाइड करते थे उसका जीरो निकालते थे। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जो भी फैक्टर हमको गिवन होता है हम उस फैक्टर से जीरो निकालते हैं। तो सबसे पहला काम जीरो ऑफ एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री। अब ये जो x की वैल्यू आई माइनस थ्री, रिमाइंडर थ्योरम में भी आप क्या करते थे, इसको पॉलिनोमियल में पुट करते थे। फैक्टर थ्योरम में भी वही काम करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, यहाँ से मेरी बात नोट करना आप, जैसे ही इस माइनस थ्री को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे वैसे ही ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वल टू में जीरो लिखना है। तो ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू जीरो ये आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, और अगर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है तो फिर रिमाइंडर क्यों आएगा, रिमाइंडर आना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो इससे डिविजिबल है, जैसे 10 डिविजिबल है 2 से, तो आप 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा आंसर क्या आता है, 5, लेकिन रिमाइंडर तो 0 ही आता है ना, यही तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए, हम जैसे ही यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस थ्री पुट करेंगे, हमें ये स्टेप करनी है इक्वल टू जीरो करते हैं। देखिए, लुक एट हियर, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 9, 9 को 3 से करेंगे 3 × 9। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के, प्लस 6 और इक्वल टू जीरो। अब देखिए, 3 × 9 27 माइनस 3 के प्लस 6 इक्वल टू जीरो। 27 और 6 दोनों कांस्टेंट है, दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 33। माइनस 3 के प्लस 33 इक्वल टू जीरो, माइनस 3 के प्लस 33 इक्वल टू जीरो, यहाँ तक आपको पता लग गया। अब इसके बाद देखिए, मैं आगे के स्टेप यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, माइनस 3 के इक्वल टू माइनस 33। क्यों, क्योंकि 33 इधर प्लस का है, उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का हो जाएगा। माइनस 3 के इक्वल टू माइनस 33, k की वैल्यू निकालनी है तो k के साथ माइनस थ्री मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस 33 अपॉन माइनस 3। अब देखिए, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस से माइनस की पिक्चर खत्म। 33 को 3 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा 11। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 11। ये फैक्टर थ्योरम का यूज होता है कि आपको किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और हमने फाइंड आउट कर ली। कुछ भी लाओ, हम सब कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें सब आता है। ओके,